और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं क्यों, आज तो इंटरनेशनल मेंस डे है। मेंस डे पता चला तुम्हें? हाँ मुझे चल गया था, मेरे को विश मिला है आज। मैं कहा है ये भी होता है? ये कब हुआ? ये कौन सी मीटिंग जहाँ पे हमें नहीं बुला रहे हैं? मतलब वुमेन्स डे हो तो ब्रांड्स पागल हो जाते हैं। वुमेन्स डे के दिन ब्रांड्स बी लाइक शाहरुख खान ढोल बजा रहा है, नाच रहा है। मेंस डे के दिन, अरे छोड़ो सोने दो यार। चलो वुमेन्स डे हो तो गूगल पागल हो जाता है, हैं? गूगल का डिजाइन चेंज हो जाता है। मेंस डे तो खोल के देखो गूगल, बताओ क्या सर्च करना है। अबे इज्जत दे बे, थोड़ी तो इज्जत कर, मर्यादा रख थोड़ी सी। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे जेन्युइन मजाक नहीं कर रहा, गूगल का देख के ना तुम अगर वुमेन्स डे देखोगे तो कितना बना देंगे आर्टिस्टिक। मेन डे के देख के दिल से अक्षय कुमार निकल गया यार। है? ये भेदभाव क्यों? और गूगल भी छोड़ो साला, दुनिया ही हरामी है। आज इंटरनेशनल मेंस डे तो है ही है, बट आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है। क्या है हम लोग, टट्टी? हे टट्टी तेरा नाम क्या है? पर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, एज अ मैन वी प्रोवाइड। हाँ तो हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे उन सारे लॉन्डो को जो 7:55 तक सोए रहते हैं बट 8 बजे तैयार होकर कॉलेज भाग जाते हैं या ऑफिस भाग जाते हैं। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे उनको भी जो टिकटॉक और रील्स पर मुजरा कर रहे हैं, आजकल शॉर्ट्स पे भी हग रहे हैं। मान ले दिया तो मैं दे दिया, समझते हैं दर्द में, समझता है तुम लोगों का। बट न्यूज़ में क्या है बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ क्या है। न्यूज़ बॉय ने डाली ना वीडियो, तो देख ले यार ना वहाँ पे जाके, मुझे क्या देख रहा है। अबे मेरा भी मन नहीं आज, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब हेरा फेरी 3 का था ना कि अक्षय कुमार नहीं आ रहा तो कार्तिक आर्यन को लिया था, फिर आगे कि कार्तिक आर्यन राजू का रोल प्ले नहीं करेगा, कुछ और रोल प्ले करेगा। अभी सुनील शेट्टी कहता था कि मैं बात करूंगा अक्षय कुमार से। अब इंडस्ट्री में खबर उठ गई कि हेरा फेरी बिना अक्षय के नहीं होने वाली, नो एंट्री बिना सलमान के नहीं होने वाली। मैं कहा मेरी एंट्री होगी चाहे सलमान आए कि ना आए, भाई की मर्जी थोड़ी चल रही यहाँ पे, बिग बॉस चल रहा है काफी है। और सुनील शेट्टी की बात कर रहे थे तो वो चौकसी नहीं, तो मेहुल चौकसी, अरे हाँ वही फ्रॉड स्टार, उसके ऊपर बायोपिक बन रही है मेरे ख्याल से, तो सुनील शेट्टी स्टार कर रहा है, तो उस पर डिफेमेशन केस मार दिया, कहते मुझे गलत दिखा रहे। मैं कहा तू भागा हुआ है, चुप चुप, गजब बेइज्जती है। वहां पे कोई कह रहा है कि नूरा फतेही का अफेयर चल रहा है भूषण कुमार के साथ। मैं नहीं कह रहा ऐसा कोई वो है सो कॉल्ड क्रिटिक, ये मैंने कल ही पढ़ लिया था, बट मैंने चुका ये छोड़ इसको, क्योंकि जब मैंने उसकी प्रोफाइल खोली ना, कहते मैंने नाम गूगल करके देख लो, मैंने गूगल करके पिंक वेला खोला, कहता फ्रॉड है कुछ भी बोलता है। कहाँ कौन दे रहा है मूवी? PS1 को उसने रेटिंग दी थी 3 स्टार, जब मूवी रिलीज भी नहीं हुई, प्रीमियर भी नहीं हुआ, 3 स्टार दे दी। मैं कहा बिना देखे कैसे दे रहा है, ये मेरा भाई है क्या, बिना देखे रिव्यू दे रहा है सबका? तो उसने क्लेम किया कि नूरा फतेही का भूषण कुमार के साथ अफेयर चल रहा है। मेरे दिल से निकल गया, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अबे तुम्हें क्या लगता है, 2 साल से पता नहीं है मेरे को, हर टी सीरीज के आइटम नंबर में नूरा फतेही नाच रही है। मतलब नूरा फतेही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और इंडिया में सबसे खूबसूरत लड़की है, इतनी सारी पड़ी हुई है। नूरा फतेही है ना बेबी को बेस बहुत तगड़ा पसंद, इसलिए। अबे साले बाकी ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो आने वाला था टोनी भैया के साथ, वो आ चुका है। रोस्ट वीडियो, सीरियसली उसे रोस्ट कहते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं न्यूज़ पर देख रहा था तो वो बता रहा था कि लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा है कि हाँ कोलैब नहीं है, रोस्ट वीडियो। मैं कहा रोस्ट है? अच्छा साले कच्चा रह गया पूरा रोस्ट, हेल्दी रेंट भी नहीं है यार, टेक्निकली वो कोलैब ही है कि तुमने ये जूते क्यों पहने, 2 लाख के जूते हैं। और निश्चय मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मालूम है, बट इसे रोस्ट कहना भी सही नहीं है यार। लिरिक्स पे तो मैं जाऊंगा भी नहीं, जाना ही नहीं है मुझे लिरिक्स पर टोनी भैया के। ये कोलैब वीडियो थी भाई का गाना प्रमोट करने के लिए, और मेरे को लगता नहीं इसमें कोई बुराई बात है, मतलब बुरी बात है 8 लाइनों को प्रमोट करने के लिए ट्रिगर्ड इंसान की जरूरत पड़ रही है। अबे वैसे भी चल जाना था, ये जो तुम्हें मालूम है कि अच्छे सॉन्ग है, वेल रिटन सॉन्ग है, जो ज़्यादा व्यूज नहीं आते उसको प्रमोट करना चाहिए, नहीं यही करेंगे। नंबर लिख 98971 उसके आगे डम टिकट। अबे पूरा तो बोल, सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी 8 लाइन है ना, खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब मैं जिम शिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तू 12 के साथ घूम रहा, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा? जब तुझे पता है उसका बॉयफ्रेंड है तो मेहनत कर क्यों ना मेरे भाई, छोड़ दे ना लिखने में मेहनत कर। नहीं मैंने बोला नहीं मजे लेंगे तो नहीं लेंगे बस। बट एक वो इंटरव्यू देख के ना मेरे को एक चीज समझ में आ गई, टोनी भैया को खुद भी एहसास नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जब वो ऐसे गाने कर रहे थे वो दिमाग साइड रखते बेटा चुप भाई, मीनिंगफुल लिरिक्स कर लेते ना, चुप यही गाना चलेगा, यही लिखना है, अंडी मंडी संडी हवा चले ठंडी ठंडी, कैसी ठंडी, कैसी ठंडी, बस यही एयरलाइन। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? टोनी भैया की बात कर ली तो बहना की भी बात कर लेते हैं। नेहा कक्कड़ आ रहे हैं, वो आयुष्मान खुराना गया था इंडियन आइडल में, उसकी फिल्म आ रही है ना एक्शन हीरो, मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए, बट थिएटर नहीं जाऊंगा मैं, तो वो गया था इंडियन आइडल पे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि कैसे दोनों को एक ही दिन पर रिजेक्ट किया गया था और दोनों ट्रेन से दिल्ली वापस आ रहे थे और आज वो दोनों जज बन के बैठे हैं। मैं कहा वाह
वाओ एक्साइटिंग न्यूज। मैं जनरली जब मैं ऐसे आर्टिकल पढ़ता हूँ ना, मैं बैठ के सोचता हूँ यार, इस बंदे को अपने जॉब पे गुस्सा नहीं आता होगा कि साले मैंने इतना पैसा खर्च किया जर्नलिज्म के लिए, डिग्री ली ताकि मैं ये लिख सकूं, है कुछ काम का काम दे दो, ये क्या लिखवा रहे मुझसे, ये तो चाय वाला भी लिख देगा, तू ही लिख, तू जर्नलिस्ट है ना। मतलब दूसरा आर्टिकल है कि ईरा खान जो है ना, आमिर खान की बेटी, उसकी एंगेजमेंट हो गई। तो एंगेजमेंट हुई है तो बाप तो नाचेगा ना, बाप नाच रहा है अपने बाप के साथ, किस गाने पे, पापा कहते हैं बड़ा नाम, और कितना नाम करेगा लाल सिंह चड्ढा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देगा इसको कोई पढ़ से। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाल सिंह चड्ढा से, मुझे प्रॉब्लम है उसकी स्टार कास्ट से। मैंने देखी मूवी, मुझे ठीक ठाक लगी, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं थिएटर गया भी, कंप्लेन है भी नहीं। बट अभी जब थिएटर के मतलब नेटफ्लिक्स पे आ गई और लोगों को पसंद आई तो कहते 500 रुपए दो आमिर खान को और माफी मांगो, चल ना पकौड़े इतनी भी पसंद नहीं है, माफी मांगो और पैसा दो, साले 200 की टिकट दे के थिएटर नहीं गया, मैं तेरे को 500 रुपए दूं, मुंह में ले ले। इसके अलावा UK07 राइडर बाबू भैया जो है, दूसरे वाले, मेरे वाले नहीं, दूसरे वाले, उनपे FIR हो गई है कुछ फ्रॉड करके। मतलब कोई आईफोन बाय किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था जब ज्यादा मेमोरी वाला आएगा तो तुम रजिस्टर मत करना, मुझे दे देना, मैं बेच दूंगा, तो मैं नया वाला दे दूंगा। उन्होंने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद फिर दुकान का नाम बता दिया तो दुकान की सेल घट गई। अब उसका दिमाग ठंड गया, उसने कहा चलो बेटा मेरा बिजनेस गया, मैं तेरे से बिजनेस बनाएगा। और थर्ड सॉरी फोर्थ एक्ट है 506। तो पहले एक्ट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, इट्स फॉर स्कैम, धोखाधड़ी का होता है शायद। जैसे कि मैं आप पे एक चीज भरोसे पे दे रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे को स्कैम कर दो, मतलब मेरे को 8 मिनट हो गए, लग तो नहीं रहा होने वाले आज। बट फालतू न्यूज आ गई है, बस खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे पास। फालतू न्यूज भी क्या है, अरे कोई IITian बंदा था ग्रेजुएट, हाई पे जॉब थी उसकी, तो उसकी बच्ची पैदा हुई कुछ दिनों पहले, तो उसने जॉब छोड़ दी फुल टाइम डैड बनने के लिए। मैं तो ऑफिस जाता तो भी फुल टाइम डैड रहता, तो इसलिए इंटरनेट पागल हो गया, वाह नए जमाने का मर्द। मैं भाई साहब इस न्यूज़ पर तुम्हें खुशी हो या ना हो, मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली जहाँ पे औरतों के साथ उल्टा सीधा हुआ है। हाँ सूट केस में मिल रही हैं, बॉडी कटिंग फट्टी चल रही है, मैं एटलीस्ट इस बात पे खुश हूँ। मैं एक्चुअली ना मैंने एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करी थी जो इतने सारे इंसिडेंट हुए, बट फिर मैंने आज मेरे को पता चला मेंस डे, मैंने छोड़ दिया, आज तो छोड़ ही देते, थोड़ी तो इज्जत और मर्यादा रख लेते हैं तुम लोगों की। और तुम्हें तो गली आता भी है, ऐसे हो जैसे तुमने ही किया है। भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे क्यों सुना रहा, अरे तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, मैं कैमरे को सुना रहा हूँ, जैसे जो ये क्राइम करते हैं वो मुझे देखते होंगे बैठ के, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, बोल लो हम थोड़ी सुन रहे हैं। बस खत्म, अभी नहीं है कुछ भी। देखो 2 मिनट बचे, 2 मिनट में कैमरे की बैटरी अपने आप मतलब रिकॉर्डिंग का टाइम, बस हो गया खत्म, इतना ही था। अब देखो 2 मिनट बचे हुए, उसका टाइम लिमिट होता है रिकॉर्डिंग का, फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर बंद हो गया बीच में अपने आप ही, तो पीस आउट, अगर नहीं हुआ। और सुनाओ क्या चल रहा है मेंस डे पे, कुछ मिला? साले ये मेंस डे वाला भी गंदा चक्कर है यार, या तो बनाओ मत, मतलब बोलो ही मत कि है, अगर है तो फिर जैसा औरतों के साथ करते हो वैसा हमारे साथ भी करो यार, थोड़ा हमें भी दो बुके चॉकलेट्स, चॉकलेट तो मत दो पहनने के लिए दे दो, चॉकलेट रंगोली वंगोली बना, हमें भी पसंद है यार, मसाज थेरेपी दो, है मसाज, अबे वो कोई आपका पॉलिटिशियन था उसको तिहाड़ जेल में मसाज करते हुए CCTV फुटेज निकाल दिया, अब कह रहे हैं कि देखो 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 BJP वाले हरामी है, उनकी हेल्थ का इशू है इसलिए वो कर रहे थे। क्योंकि उनको स्पाइन इंजरी थी, मगर स्पाइन इंजरी में पैर और हाथ के मसाज हो रहे, BJP वाले ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा, लगे यार तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मिलेगा घटिया खाना, चूहे वाले रूम, इनको मसाज, मैं यू गो आम आदमी पार्टी, जहाँ जा रहे चले जाओ। बाकी और सुनो, बंदी पट्टी, बंदा पटा नहीं, हाँ चाकू निकाल लो फिर तुम भी, सूटकेस में लेके आता हूँ। क्या घटिया जो गए, अभी एक CCTV फुटेज आ गई है, क्या कर रहा हूँ, चक्रासन, चक्रासन नहीं, अबे ऐसा कोई आसन होता है योगा में, हाँ तो CCTV फुटेज आई है उस बंदे की रात में सामान लेके जाते हुए, मतलब बॉडी पार्ट लेते हुए जाते हुए। तो ये न्यूज़ दी AN9 है, और उसके नीचे लिखा हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं का फुटेज है दिख तो रही है, इन लाज करके देख लेना, अलग ही चल रहा है। आज क्या बन रहा है खाने में, क्या बने बताओ यार, मेरे यहाँ पे चिकन बन रहा है, खाएगा कोई? चलो मैं चिकन खाना है तुझे, जा दाल भात खा, चलो बाय, जा रहा हूँ मैं, पीस आउट।